नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च रविवार सुबह की खास खबरें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर रविवार को पूरी तरह से वीरानी छाई रही। लोग अपने घरों में कैद रहे और पुलिस व प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अलावा सादुल शहर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसेन नगर, श्रीकरणपुर में लॉकडाउन की पालना पूरी शिद्दत से की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को लेकर आम नागरिकों को परेशानी ना हो, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं। बाजारों, मुख्य मार्गों के अलावा गलियों में भी रविवार को पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा, नौहर, भादरा, संगरिया सहित अन्य मंडियों व गाँवों में भी लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। अबोहर के संवाददाता सोनू सिहाग और फाजिलका के संवाददाता रुपेश बांसल ने बताया कि कर्फ्यू के चलते बाजारों, मुख्य मार्गों के साथ साथ गलियों में भी आज सन्नाटा छाया रहा। पुलिस ने सुबह से ही गश्त करना शुरू कर दिया। राजस्थान सीमा को सील कर दिया गया है और वहां पर हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है। राजस्थान के साथ लगते पंजाब राज्य में जब कर्फ्यू लगा है, तभी से लोग अपने घरों में कैद हैं। जरूरत की वस्तुओं की दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है और निर्धारित समय पर ही दुकानें खुल रही हैं। फिरोजपुर, जलालाबाद, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, मलोट, पटियाला सहित सभी शहरों व गांवों में कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों पर राजस्थान सरकार गंभीर है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने फैसला किया है कि किराना की दुकानें व डिपो खुलेंगे और वहां पर घर घर सप्लाई के लिए 202 रुपये प्रति दिन के हिसाब से होमगार्ड श्रमिक रखे जाएंगे। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सरकारी व निजी अस्पताल तक आने जाने के लिए जिला मुख्यालय पर 23 ऑटो व ई रिक्शा की सेवाएं शुरू की हैं। इन वाहनों के संचालन के लिए जगह भी निर्धारित की गई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की अलग अलग टीमों का गठन किया है, जो तलाशी अभियान चलाकर जब्ती की कार्रवाई भी करेंगे। हनुमानगढ़ जिला कारागृह से पिछले 3 दिन के भीतर 120 कैदियों को बीकानेर जेल शिफ्ट किया गया है। जेल प्रशासन ने यह कदम कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाया। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने लॉकडाउन लागू होने के बावजूद घरों से बाहर खेलने वाले बच्चों के मामले पर गंभीरता दिखाई है। पुलिस ने अब फैसला किया है कि यदि कोई बच्चा खुले में खेलता दिखाई देता है तो उसके अभिभावक को पुलिस थाना में बुलाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान में चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में थाना पुलिस ने महेश खटीक नामक युवक के खिलाफ टिकटॉक पर कोरोना वायरस फैलने की अफवाह का वीडियो अपलोड करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले के पारडा सोलंकी गांव में कोरोना पॉजिटिव आए पिता पुत्र को जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में बनाए कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। कोरोना आइसोलेशन वार्ड प्रभारी डॉक्टर रामकिशोर रोत ने बताया कि दोनों के शरीर पर दवाओं का असर होने लगा है, यह शुभ संकेत है। राजस्थान के चूरू जिले के भांगीवाद गाँव की एक 50 वर्षीय महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उसके संक्रमण के कारण का पता नहीं लगा पाया। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित महिला के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी जोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। गांव में 14 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान में क्रामिक विभाग ने एक आदेश जारी कर 6 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। आदेश के मुताबिक IAS रविशंकर श्रीवास्तव, नवीन जैन, नन्नू मल पहाड़िया, विश्राम मीणा, अंशदीप व ग्वांडे प्रदीप केशव राव के तबादले किए हैं। विभाग ने 10 RAS अफसरों को भीलवाड़ा और झुंझुनू जिला कलेक्टरों के साथ आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप से सेवाएं देने के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, ताकि लोगों को इस महामारी से राहत दिलाई जा सके। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर एक टेम्पो ने पैदल जा रहे 7 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 4 जनों की मौत हो गई और वहीं 3 जने घायल हो गए। ये सभी लोग पैदल ही मुंबई से अपने घर जाने के लिए निकले थे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के आदेश के बाद बिजली खपत गत वर्ष की तुलना में इस बार आधी रह गई। पिछले साल 6 मार्च को जहां बिजली की खपत एक दिन की 26.13 लाख यूनिट थी, वहीं इस साल यह खपत 13.11 लाख रह गई है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पैदल अथवा साइकिल पर ही किराना की दुकानों पर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को खुले में घूमने की इजाज़त नहीं है। पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर शहर से संवाददाता सोनू सिहाग ने बताया कि पुलिस ने फाजिलका चुंगी पर नाके के दौरान पैदल जा रहे लोगों को रोका और उन्हें वापस भेजा। गोविंदगढ़ टी पॉइंट पर अलग अलग वाहनों की जांच की।
राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 55 तक पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है। बीते 24 घंटों में भीलवाड़ा से कोरोना संक्रमित का 1, झुंझुनू में 6, जयपुर में 10, पाली में 1, प्रतापगढ़ में 2, सीकर में 1, जोधपुर में 6, चूरू में 1, डूंगरपुर में 2, अजमेर में कोरोना पॉजिटिव का 1 मामला सामने आया है। प्रदेश में अब तक 3,381 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई है, जिसमें से 3,150 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 176 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाने की बात कही है, साथ ही प्रशासन से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।